क्या आपने देखा है कि कोई व्यक्ति 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है? अगर नहीं तो हमारी इस खबर को देखिए, जिसमें आगरा के एतमादपुर का एक 17 वर्षीय युवा स्पीड स्केटिंग के जरिए 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता है और इस मुकाम के लिए उसे नेपाल में हुए एक कॉम्पिटिशन में स्वर्ण पदक भी मिल चुका है। तो वहीं अब इस युवा का सपना है कि वो ओलंपिक में भारत देश के लिए स्वर्ण पदक लाए। हर भारतवासी अपने देश का नाम अलग अलग तरह से बुलंदियों पर पहुंचाना चाहता है, फिर चाहे वो सीमा पर खड़ा जवान हो या फिर खेल के मैदान में। हर भारतीय के दिल में तमन्ना होती है कि वो अपना, अपने परिवार का, अपने समाज का और विशेषकर अपने देश का नाम रोशन करे। इसी क्रम में आगरा के एतमादपुर में कुछ युवा ऐसे हैं जो एक अलग खेल के जरिए देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। वो खेल स्पीड स्केटिंग है, जिसमें पहिए वाले जूतों को पहनकर दौड़ लगानी होती है। सबसे पहले युवाओं में इसकी दिलचस्पी बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत 12वीं के छात्र भानु प्रताप सिंह ने की, जो कि एतमादपुर नगर का ही निवासी है। और पिछले वर्ष 17 वर्षीय भानु को नेपाल में हुई स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था, जिसके लिए उसे स्वर्ण रत्न भी मिला है। और अब भानु का सपना है कि ओलंपिक में उसे यह खिताब हासिल हो। भानु प्रताप, भानु किस तरह का गेम है और किस तरह आपको प्रेरणा मिली है, क्या करते हैं आप? स्केटिंग स्कूल से प्रेरणा मिली थी मुझे जी। जब सबसे पहले मुझे मेरे स्केटिंग कोच ने सिखाया था करना, मतलब पहले महीने तो मतलब अच्छे से की थी, उसके बाद थोड़ा बंद हो गया मेरा करने के लिए। क्या करते हैं आप उसमें, सुबह सुबह निकलते हैं कैसे, किस तरह आप? हम कॉम्पिटिशन करते हैं इस पर, इसके कॉम्पिटिशन होते हैं ऑल इंडिया में। आपने कोई कॉम्पिटिशन में भाग लिया है और कुछ मिला है? हाँ, मेरे पास, मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन भाग लिया है, अभी नेशनल भी गोल्ड है मेरा। कहाँ पे हुआ था वो? नेपाल में हुआ था। किस तरह से वहाँ पे रेस कराई गई थी? वहाँ पे दो उसकी रेस हुई थी, एक 500 मीटर थी, एक 300 मीटर थी। जो 300 मीटर था उसमें मेरा सिल्वर आया था और जो 500 मीटर था उसमें गोल्ड था मेरा। अधिकतम स्पीड क्या है आपकी? मेरी अभी की स्पीड देखा जाए तो अधिकतम सबसे ज्यादा 70 किलोमीटर पर आवर। ये आपको घर वाले सपोर्ट करते हैं इस गेम? हाँ, पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं। तो किस तरह आपको में यह जागृति हुई है कि एक नया गेम है और फिर आप क्या करना चाहते हैं यहाँ पर? इस गेम की मान्यता बहुत कम है, मतलब बहुत कम लोग करते हैं इस गेम को, तो इस गेम को बस फैलाना मेरा काम। डेली आप कितना किलोमीटर चलते हैं? डेली का 10-12 किलोमीटर तो हो जाता है। फिलहाल इसके साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे, क्या कर रहे हैं? हाँ, 12th कर रहा हूँ। 12th कर रहे हैं। तो किस किस के साथ आप निकलते हैं, सुबह कितने बजे निकलते हैं? सुबह हम 5 बजे निकलते हैं और 7 बजे तक घर पे। भविष्य में क्या उम्मीदें हैं आपको इस गेम से, क्या बनना चाहते हैं? इससे मैं आइस स्केटिंग में ओलंपिक्स में जाना चाहता हूँ, वहाँ पे गोल्ड लेके आना चाहता हूँ इंडिया के लिए।